ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। अच्छा क्वेश्चन बोला था, लिखो जल्दी से। सौ विद्यार्थियों के औसत अंक 40 है। बाद में ज्ञात हुआ कि गलती के कारण 53 को 83 अंकित किया गया, 53 को 83 अंकित किया गया, 53 को 83 अंकित किया गया, तो सही औसत ज्ञात करें। एक अंक था 53, उसकी जगह कितना ले लिया 83, तो सही औसत ज्ञात करें। द एवरेज मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40, लेट ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एरर ऑफ द 53 वाज 39.73 मिस्ड एंड द 83 फाइंड द करेक्ट एवरेज करस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट स्कोर। बताइए जल्दी से, 39.73 कितना जाएगा? 39.7। हाँ ऑप्शन तो है 39.7, 38.7, 39, 41। सिंपल क्वेश्चन है ये, पूछा गया बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, जो आपके में पूछा है क्वेश्चन अभी बहुत बार आपके मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, देखना आप अभी रिच के क्वेश्चन देखें, समझ लें पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं, कितने हैं 100 स्टूडेंट, और इनका एवरेज कितना दिया है 40, कितना दिया बेटा 40। अब ये क्या कह रहा है, तो अब एक स्टूडेंट का 40 होगा तो 100 का कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, ये एक स्टूडेंट का कितना है 40 है तो 100 का कितना हो जाएगा 4000, मतलब टोटल जो नंबर होंगे कितने होंगे 4000, पूर्णांक कितने होंगे टोटल 4000 का होगा, ये बता सकते हैं आप। कहता है कि एक बंदर था, इसके नंबर ये बंदा था, ये क्या किया इसने, इसने 53 की जगह कितने नंबर ले लिए, इसने 83 ले लिए, कितने ले लिए 83। ये थोड़ा गधा था, क्या कहेगा इसने 53 की जगह कितने ले लिए इसने 83, जल्दबाजी में, ठीक है। क्या आप ऑप्शन टिक नहीं कर दे, कभी 53 की जगह 83 टिक हो गया तो फिर घर पे आके सोचते हो गलत हो गया ना, तो ऐसे जल्दबाजी में गलती हो गई इससे। तो क्या सर इसने कितने नंबर ज़्यादा ले लिए, 30 नंबर, कितने ज़्यादा ले लिए 30 अंक। तो अब ये बताओ 30 नंबर ज़्यादा लिए तो इसमें 30 नंबर माइनस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज क्या हो गया इसमें ज़्यादा हो गया, तो इसमें से 30 में माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा बताओ, 39.70 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, 39.70 बचेगा कितने स्टूडेंट पर, अब 100, कितने पर 100 पर, तो 39.70 एवरेज है और कितने स्टूडेंट हैं 100, तो पॉइंट लगा देंगे सीधा तो कितना जाएगा 39.7, क्या आ गया एवरेज, ये क्या आ गया आपका एवरेज, ये एवरेज आना था, कितना आ गया, कितना दिया था उसमें 40, लेकिन आना कितना था इतना, क्योंकि ये नंबर क्या ले लिया उसने ज़्यादा ले लिए, ठीक है ना, क्लियर है, किसी को डाउट बताओ, समस्या हो रही है पीछे, समझ में आ रहा ना, ठीक है चलो और बताओ और कैसे कर सकते हैं, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखो सिंपल दे, अब देखो जादू आ जाएगा, देखो जैसे देखो कैसे आएगा, ये बताओ कितने नंबर थे 53 थे, कितने लिए 83 लिए, तो कितने नंबर अधिक लिए 30 नंबर अधिक लिए, कितने स्टूडेंट पर 100 पर, तो सब पे कितना कम हो जाएगा बताओ, 0.3 कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 0.3 कम हो जाएगा, सब कम होगा 0.3, तो एवरेज कितना था आपका 40 था, 40 में 0.3 कम कर देंगे तो कितना बचेगा बताओ 39.7 नहीं बचेगा क्या, खत्म क्वेश्चन, हो गया नहीं हो गया, सिंपल कुछ नहीं करना, घोड़ा भाग इतना आपने देखा कि इतना लिया अधिक कितने स्टूडेंट पर 100 पर, तो सब पे कितना ज़्यादा ले लिया उसने 0.3 ज़्यादा ले लिया, तो 0.3 इसमें कम कर दो तो एवरेज कितना आएगा 0.3 कम होगा तो कितना होगा 39.7 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना भाई, क्लियर है, 0.3 कर देंगे या 0.30 बोल सकते हैं, 0.30 कम कर देंगे, कितना 39.7 हो जाएगा आपका आंसर, सिंपल था क्या, नहीं तरीका ये भी सिंपल और ये भी सिंपल, एक सेकंड में आंसर, समझ में आया ना कैसे किया, चलो अगला क्वेश्चन, लिखो 10 विद्यार्थियों का औसत 50 था, 10 विद्यार्थियों का औसत कितना था 50,
10 विद्यार्थियों का औसत 50 था, लेकिन गलती के कारण 46 के स्थान पर 64 लिखा गया, 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 तो उसका सही औसत ज्ञात करें। कितना हो जाएगा? 48, हाँ ऑप्शन 48.2, ऑप्शन है 48.2। कितना है बेटा? 48.2। आ गया सबका? बहुत सिंपल है कि नहीं? कितने स्टूडेंट थे? 10। उनका एवरेज कितना दिया है? 50। तो टोटल नंबर कितने निकल के आए? लेकिन एक स्थान क्या था, 46 के स्थान में कितना ले लिया? 64। इसका अपोजिट ले लिया, तो कितने ज़्यादा हो गया बताओ? कितने ज़्यादा हो गया? 18 ज़्यादा हो कितने स्टूडेंट पर? 18 ज़्यादा लिए तो 18 क्या कर देंगे? कम कर देंगे इसमें, तो कितने बचे बताओ इसी से? 482। बहुत बढ़िया, कितना बचेगा? 482। अब 482 बचेगा कितने स्टूडेंट पर? 10 स्टूडेंट पर, तो एक पॉइंट लगा दो यहाँ पर सीधा, 48.2 क्या हो गया आपका? आ गया कि नहीं आ गया? 48.2। या आप ऐसे कर सकते, सीधा देखो 46 में कितना है? 64। कितना कम किया? 18 कम किया, कितने स्टूडेंट पर? 10 पर, तो 10 पर 1.1 सब में कम 8 कम कर दो, तो एवरेज कितना था? 50 था, 1.8 कम करेंगे तो भी बचेगा 48.2 भी बचेगा, कितना बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा 48.2? सिंपल है कि नहीं बताओ? ऐसे कर सकते हो, सिंपल है, और ऐसे भी करोगे तब भी सिंपल, कोई देखो बस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, इसमें आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो सीधा, ठीक है? तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होता क्वेश्चन में आता। समझ में आ रहा भाई? किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन करें, एक और लिखे ऐसे। 25 संख्याओं का औसत 13 है, 13। 25 संख्याओं का औसत 13 है, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि 73 के स्थान पर 48 अंकित किया गया, 73 के स्थान पर 48 अंकित किया गया, 73 के स्थान पर 48 अंकित किया गया, तो नया औसत ज्ञात करें। चौदह हो जाएगा? कितना आ गया? बहुत बढ़िया। कितने स्टूडेंट थे? 25। 25 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज कितना दिया है? 13। तो टोटल कितना हो जाएगा? 325। अब क्या किया उसने? एक संख्या क्या थी? 73। 73 ही, और कितना ले लिया उसने? 48। कितना ले लिया सर? 73 लेना था, कितना ले लिया? 48 ले लिया, तो कितना कम ले लिया बताओ उसने? कितना कम ले लिया? 25।
25 कम लिया, मतलब 25 कम लिया तो उसमें 25 क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे 25 तो कितना हो जाए बताओ ये 350 हो गया कितने स्टूडेंट पर, 350 होगा कितने स्टूडेंट पर, 25 स्टूडेंट पर, काट दो भाई इसको तो कट जाएगा 5 7 35 और 5 25 14 पंचे कितने होते हैं 70, तो एवरेज कितना आ गया 14, कितना आ गया आपका एवरेज 14। उस तरीके से किया आपने, कितना निकला था देखो अभी 73 था, कितना हो गया 48, कितना अधिक निकला 25 अधिक निकला मतलब कितने स्टूडेंट पर 25 पर, तो 25 से डिवाइड कर देंगे कितना निकलेगा एक, मतलब एक क्या लिया सब पे कम लिया तो एक ऐड कर देंगे, एवरेज कितना था 13 था, एक ऐड कर दो कितना आंसर हो गया 14। सिंपल है, सिंपल है कि नहीं बताओ, किसी को कोई डाउट, समझ में आ रहा क्वेश्चन, कैसे उड़ा देंगे इन क्वेश्चनों को, एक बार समझ लो, देखो ये बताओ मुझे कि मुझे ये वाला नंबर लेना था लेकिन लिया कितना मैंने ये वाला, तो मेरा एवरेज कितना था बताओ, कितना था एवरेज थे, तो अब मुझे बताओ मैंने कितना जा कम नंबर लिया, 25 नंबर कम लिया कि नहीं लिया, कितने स्टूडेंट पर लिया 25 कम, 25 पे, तो मैंने 25 पे लिया कम तो एक एक नंबर सब में कम लिया होगा नहीं लिया होगा, तो मैं एक एक नंबर सब में ऐड कर दूंगा तो एवरेज कितना हो जाएगा 14, ठीक है। कर लोगे थे क्वेश्चन भाई, अब उम्मीद हो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगले क्वेश्चन करें आप, अगले टाइप लिखो तो अगले टाइप भाई, ये क्या रखा हुआ है, मास्क, मास्क मैन, लिखो अगला क्वेश्चन, बातें कम करो, चलो पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करो, लिखो किसी कक्षा में 25 विद्यार्थियों का भार का औसत, किसी कक्षा में 25 विद्यार्थियों के भार का औसत 50 किलोग्राम है, 25 विद्यार्थी उनका औसत कितना है 50 किलोग्राम 50 kg, किसी कक्षा में 25 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है 50 किलोग्राम है, यदि अध्यापक का भार भी, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार, तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, 1 kg बढ़ जाता है, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार ज्ञात करें, तो अध्यापक का भार ज्ञात करें, निकाल दो जल्दी से अध्यापक का भार कितना, ऑप्शन 4 है आपके पास, 75 ठीक, स्टूडेंट कितने ऑनलाइन वाले खतरे में लाइट चलेगी ना भाई दिख तो रहा है ठीक ठाक, सही है, कोई दिक्कत ठीक, देखो क्या बोला मैंने कि कितने स्टूडेंट हैं 25, 25 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं 25 स्टूडेंट हैं, और उनका जो औसत भार है वो कितना है 50 किलोग्राम, अब ये बताओ 50 किलोग्राम औसत मतलब क्या होता है, एक स्टूडेंट का भार कितना है 50 किलोग्राम, तो 25 स्टूडेंट का कितना हो जाएगा बताओ, क्या कर देंगे 50 × 25 कर देंगे, 25 × 5 = 125 मतलब कितना 1250 किलोग्राम, कितना हो गया 1250 किलोग्राम हो गया, मतलब सबका कितना होगा टोटल 1250 किलोग्राम, अब कह रहे आपके कक्षा में कौन आ गया, एक अध्यापक आ गया, अब ये स्टूडेंट की कक्षा में कौन आ गया, एक अध्यापक आ गया भाई, एक टीचर आ गया, ये टीचर आ गया, खुश दो टीचर
हंसती है टीचर, ठीक है, ये आ गए, खुश हो गए आपके पापा पढ़ा के, तो अब मुझे बताओ कितने होगा टोटल, 25 तो स्टूडेंट और एक कौन अध्यापक, टोटल कितने हो गए 26, और औसत भार कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, पहले आपका 50 था अब कितना हो गया 51 हो गया, और कितने स्टूडेंट होगा कुल 26 हो गए, कर दो कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, 1326। अब एवरेज किलो कितना किलोग्राम हो गया, इतना किलोग्राम हो गया, क्यों हो गया, ये कम था ये ज़्यादा हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि एक टीचर कौन आ गया आपकी क्लास में आ गया, तो क्या हो गया बढ़ गया, क्लियर यहाँ तक। अब देखो तो अब मुझे टीचर का भार निकालना है, ये टीचर जो खड़े हैं इनका भार निकालना है, ये कह रहा है कि मैं कैसे निकालूं, तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो भार निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा सर, ये माइनस कर दूंगा इसमें से 1250 को, तो मेरा कितना 6 और 12 में अगर 7 हो ये बचेगा कितना 76 किलोग्राम, ये टीचर है वो कितने किलोग्राम के हैं 76 किलोग्राम के, बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया मेरा, 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम कम हूँ मैं इससे, ठीक है, तो कितना है 76 किलोग्राम, ठीक है, तो टीचर का जो भार है वो 76 किलोग्राम है, क्लियर, बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे, और कैसे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, एक सेकंड में आंसर दे दें, चलो देखो एक जगह एक सेकंड में देखो कैसे करेंगे, जब मैं बोलता हूँ जादू लग जाता है वो, देखो देखो अगर ये बताओ 50 किलोग्राम भार तो सबका है ही, अगर टीचर 50 किलोग्राम का होता तो भार में कोई बढ़ोतरी होती क्या या घटोतरी होती क्या, एवरेज समान देता नहीं देता, जब एवरेज बड़ा सब पे एक एक किलोग्राम तो टीचर क्या होगा मोटा होगा नहीं होगा आपसे, होगा कि नहीं होगा, तो कितने स्टूडेंट थे पहले 25 थे, कितने थे 25 थे, अब स्टूडेंट टीचर बुलाया कितने होगा 26, तो 26 पे कितना बड़ा होगा सब पे एक एक किलोग्राम बड़ा होगा, तो 26 किलोग्राम और बढ़ेगा कितना होगा 76 किलोग्राम का टीचर हो गया कि नहीं हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व दिख नहीं रहा है, एक बार बता दूं यहाँ पे टेंशन मत लो, जादू देखो ये बताओ कि एवरेज पहले कितना था स्टूडेंट का 50 था, कितना था 50, अब ये कह रहा है कि कितने स्टूडेंट थे पहले 25 स्टूडेंट थे एक टीचर आया कुल स्टूडेंट कितने हो गए 26, जब एक एक किलोग्राम सब स्टूडेंट बढ़ा रहा तो अपने आप भी बढ़ाएगा ना एक किलोग्राम, तो कितने बढ़ा रहा सब पे एक एक किलोग्राम बढ़ा रहा है तो सब पे कितना बढ़ा देगा 26 किलोग्राम नहीं बढ़ा देगा, तो 50 किलोग्राम का टीचर तो होगा ही और 26 किलोग्राम और बढ़ा देगा, कितना आंसर हो गया 76 किलोग्राम आ गया आपका आंसर, इतना करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही आंसर कह देते अपन की टिक, ठीक है 6 देख के कर देते आंसर, क्लियर है बताओ, चलो आगे बढ़े, ठीक अगला क्वेश्चन लिखो, एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार, एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है 42 kg, एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है, या अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है, 400 ग्राम? हाँ ग्राम 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार ज्ञात करें, तो अध्यापक का भार ज्ञात करें, कितना हो जाएगा 55 600 मतलब 55.6 ऑप्शन ही 55.26 बहुत बढ़िया, गेट कितना आ गया 76 400 ऑप्शन नहीं है
जल्दबाजी कर रहा हूँ, देखो जल्दबाजी कर रहा हूँ, देखो कितने स्टूडेंट थे? 34। 34 क्या थे? स्टूडेंट थे। और इनका एवरेज कितना दिया आपको? 42। तो 42 हाँ हो सकते हैं ऐसे। तो आप 34 से इसको डिवाइड करें कितना हो जाएगा बताओ, ली से पहले बेसिक समझ लो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 × 8 और 4 × 16 और 3 × 6 = 12 कितना हो जाएगा? 1428। कितना हो जाएगा? 1428। ठीक है, अब एक अध्यापक आ गया इसमें, कौन आ गया भाई? एक अध्यापक। तो कुल कितने हो गए? 35। और एवरेज कितना बढ़ गया? 42 था, कितना हो गया? 42.4 हो गया। 400 ग्राम है ना, तो 42.4 कर देंगे, नहीं कर देंगे? ठीक है, कितने स्टूडेंट पर? 35 पर। तो आप इसका इंटू करना कितना आ रहा है, जल्दी से जल्दी करो कितना हो जाएगा? अरे यार इंटू भी नहीं करके बैठे तुम। 5 × 20 और 2 × 5 × 2 = 10 दोबारा हासिल आई 5 × 20 और 1 × 21 × 12 हासिल आई 1 × 3 = 6 और 1 × 7 × 12 13 04 ये हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा कितना 1584 कितना हो जाएगा 1584 ये आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो अब कह दोगे कि एवरेज कितना बढ़ गया, ज़्यादा हो गया क्या? 1484 बहुत सही है, कितना 1484 नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, तो बहुत ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भी हो जाएगा, कितना है 1484। तो अब क्या सर इसमें से इसको माइनस कर दे तो एवरेज निकल के जाएगा, कह दो इसका आप बोलेगा 1484 में से, 1484 में से किसको माइनस कर देंगे? 1428 को। तो 14 में से 8 का 6 और 8 में 3 का कितना? 6 और 1 खत्म, कितना हो गया आपका? 56 किलोग्राम में कौन है भाई? टीचर। ये किलोग्राम इतना करना पड़ता क्वेश्चन आपको सॉल्व में, फिर मैंने आपको तरीका समझाया था, इतना करना पड़ता ही करना पड़ता। देखो मुझे भी टाइम लग गया, लग गया इंटू करने में लग गया ना। अब देखो मैं कैसे करता सोचूं, अब समझना यहाँ पर ध्यान से, कितने स्टूडेंट थे उससे मतलब नहीं है आपको, आपको किससे मतलब? से एवरेज से, कितने? 42 एवरेज था। अगर टीचर हल्का पुतला होता तो एवरेज बढ़ाता नहीं, बढ़ाता नहीं, बढ़ा रहा है ना, तो टीचर 42 किलोग्राम ज़्यादा होगा नहीं होगा। तो ये बताओ कितने स्टूडेंट होगा पूरे? 35 स्टूडेंट होगा। कितना बढ़ा रहा है? 0.4 बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा सब पे। तो 35 चौके कितने होते हैं बताओ? 140। तो 14 किलोग्राम बढ़ा रहा, नहीं बढ़ा रहा सब पे। तो 42 14 कितने हो गए? समझो ना, हो गया 56 आंसर। अभी बताओ 35 था तो 35 पे कितना बढ़ा रहा है? 0.4 ग्राम बढ़ा रहा है। तो कितना हो गया? ए होगा 140, मतलब एक पॉइंट लगा। कितना बढ़ गया? 14 किलोग्राम बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? 14 किलोग्राम बढ़ा रहा सब स्टूडेंट पर। तो 42 तो था, 14 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 56 किलोग्राम और हो गया। क्लियर है? ऐसे करते हैं जल्दी आंसर कर दे, नहीं कर दे। 56 तो आपका ये भी निकल गया, 56 यहाँ भी निकल गया रहा है, तो कौन सा तरीका सही है? क्लियर है भाई? चलो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, कम करेगा तो कम कर देना, अगर अधिक करेगा तो अधिक कर देना। क्लियर है? ठीक। सर 400 ग्राम है भाई, 400 ग्राम है, किलोग्राम नहीं है, ग्राम है। क्या है? ग्राम, ग्राम है। तो क्या लिखूंगा मैं? 0.4 नहीं लिख दूंगा इसको, 1 किलोग्राम है। ठीक है, या मैं 0.40 कर दूँ, कोई दिक्कत है क्या? है ना, इस छोटी सी बात है, किलोग्राम में अपने किलोग्राम में ना उसको 0.4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते, पानी ले, पानी लेना यार। लिखो अगला क्वेश्चन यार। तबीयत खराब चल रही बहुत। लिखो अगला क्वेश्चन। चलो 14 छात्र एवं अध्यापक की औसत आयु, 14 छात्र एवं अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 छात्र एवं अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए
यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत एक वर्ष कम हो जाता है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत एक वर्ष कम हो जाता है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। 14 छात्रों एवं अध्यापक के औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। अगर अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। हाँ, 29 ऑप्शन में है। 35, 32, 30, 29, 29 है आपका, ठीक है। कितना है? 29 आ गया। बहुत बढ़िया। चलो देखो, देखो समझ पर बेसिक समझ लो क्या होता है। 14 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है? 14 स्टूडेंट ना, और एक क्या है? टीचर। तो कुल मिलाया कितने हो गए? 15। और उनका औसत कितना है? 15। तो कितना हो गया? 225, ठीक है। अब ये टीचर क्या हुआ? चला गया, तो कितने बचे स्टूडेंट? 14। और एवरेज कितना कम हो गया? 14। एवरेज कितना हो गया? 14 से कितना? 196, ठीक है। तो आप कह दोगे सर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से माइनस कर देंगे, 225 में से 196 को माइनस करेंगे तो 15 में से 6 का कितना बचेगा? 9। और 12 में से इसका कितना बचेगा? 2। तो ये हो गया आंसर 30 किलोग्राम। ये एवरेज क्या हो गया आपका? 29 किलोग्राम क्या था? उसकी अध्यापक की आयु थी, ठीक है। और 15 वर्ष के कौन थे? बच्चे थे, ठीक है। डबल होगा ना एवरेज होगा, लेकिन अपन में नहीं, अपन कॉमन है, ठीक है। कुछ कम ही हो सकते हैं, मैंने बोला ना बस, ठीक है। 2-3 साल का अंतर होगा सब में, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते। ये बताओ कितना एवरेज था आपका? 15 एवरेज था। अब वो टीचर जो गया होगा सब पे कितना कम करे गया? एक कम गया। कितने स्टूडेंट पर? 14 स्टूडेंट पर। एक एक मतलब 14 किलोग्राम कम कर गया। 15 किलोग्राम का टीचर तो होगा ही, 14 किलोग्राम और कम कर गया तो कितना हो गया? 29 किलोग्राम हो गया, नहीं हो गया बता? हो गया, क्यों? टीचर चला गया ना, आपसे थोड़ी कम होगा। वो चला गया, कितने में कम कर गया? 4 लोग। किसी के जाने से उसको थोड़ी ऐड करेंगे, वो तो जा ही रहा ना। अब 14 स्टूडेंट बचेंगे उन पे ही ऐड करेंगे ना, तो 14 पे कितना कम कर गया? एक एक किलोग्राम कम कर गया, तो 15 साल, 15 को तो होगा ही, लेकिन एक एक वर्ष और कम कर गया तो कितने होगा? होगा 29 साल। क्लियर है क्वेश्चन? बड़े आगे समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। लिखो अगले क्वेश्चन। अच्छा समझ, आपको वाले तापमान वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, करोगे टेम्परेचर वाले जो क्वेश्चन आते हैं? बोर्ड कर लिए थोड़े से, वो देख लिए थोड़े से। लिखो सोमवार, मंगलवार और बुधवार और गुरुवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे का औसत तापमान, गुरुवार तक लिख लो आप, सोमवार से लेकर का औसत तापमान 31 डिग्री है, 31, ठीक है, 31 सेल्सियस। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना है? 31 डिग्री है। और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान
29.5 डिग्री है, 29.5 डिग्री है, यदि सोमवार का औसत तापमान, सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के तापमान से, सैंतीस सही एक बटे दो परसेंट ज़्यादा है, सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के तापमान से 37.1% ज़्यादा है, तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितना? नहीं, सोमवार का पूछा मैंने ना। अच्छा देखो, समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना दिया है, समझ लो यहाँ पे 31, ठीक है। फिर आपको दिया है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान कितना दिया है, 29.5, ठीक है। तो आप कह दो सर एक दिन का तापमान कितना, 31, तो कितने डे, चार, तो 31 चौके कितने, 30 चौके 124, और इसको करेंगे कितना हो जाएगा, हाँ 118, 0.5 कम कर दो, है ना, कितना जाएगा 118। तो कह दोगे सर ये जो तापमान आ रहा है, और फिर एक चीज़ समझना, कॉमन किसका दिया है, मंगल, सोमवार शुक्रवार का निकालना है, दिया है तो मंगल से मंगल कैंसिल, बुध से बुध कैंसिल, गुरु से गुरु कैंसिल, क्लियर है, समझना बात को। अब मुझे मिला सोमवार और शुक्रवार, क्या मिला मुझे, सोमवार और शुक्रवार, यही दिया नहीं दिया, और इनका औसत तापमान का अंतर कितने का दिया है, कह दो सर 6 का, 6 डिग्री का दिया है, क्योंकि कैंसिल हो गया आपस में, इनका अंतर कितने का दिया है, 6 डिग्री का, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से कितना आता है, 37.1। अब ये बताओ 37.1% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/8 होती, नहीं होती। अगर ये बताओ ये फ्राइडे का तापमान है तो सोमवार का तापमान कितना होगा, 3 ज़्यादा नहीं होगा। अगर मंडे और फ्राइडे का तापमान, अगर फ्राइडे का 8 है तो मंडे कितना होगा, 11 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये कह रहा है कितना अधिक है, क्वेश्चन में कह रहा है, ये कह रहा था 3 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 6। 3 की वैल्यू किसके बराबर, 6 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 डिग्री। अब मुझे 1 की वैल्यू 2 डिग्री मालूम पड़े, पूछा क्या है आपसे सोमवार का तापमान, तो सोमवार का तापमान कितना है, 11, और 11 × 2 कर दें कितना, 22 डिग्री का हो जाएगा आंसर। ये तरीका था करने का, अभी नहीं आया समझ में, देखो अच्छा 11 से नहीं आया, देखो एक बात समझो, आप जब परसेंट पढ़ोगे ना, मैंने परसेंट पढ़ाया भी उस दिन आपको, मैंने 37 सही एक बड़े परसेंट फ्रैक्शन लिखवाई होगी आपको, इसकी अगर ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज होता बताया था मैंने उसे, कि वृद्धि या कमी होगी। अगर सोमवार, अगर शुक्रवार का तापमान क्या करा, सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से कितना ज़्यादा है, 37.1 देखे। अगर फ्राइडे का तापमान, शुक्रवार का तापमान 8 है तो ये कितना ज़्यादा है इससे, 3 ज़्यादा है, तो इसका 8 होगा तो ये कितना होगा, 11 होगा। तो ये फ्राइडे का और ये किसका है, मंडे का, तो अगर फ्राइडे का 8 है तो मंडे का कितना होगा, 8, तो कितना ज़्यादा, है देखो 3 ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना निकला आपको, आपका 6, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर, 6 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। जब 1 की वैल्यू 2 आ गई, पूछा क्या है आपसे, मंडे का, पूछा तो मंडे का तापमान कितना होगा बताओ, 11 × 2 कर दें कितना आ गया, 22। अगर आपसे फ्राइडे का पूछता तो कितना आता, 16। फ्राइडे कितना आता आपका, 16। कोई दिक्कत, परेशानी, देखो लिख लो, बिल्कुल लिख लो, एक तरीका देखो, बताऊँगा सिंपल, देखो थोड़ा सा समझो, आपको क्या कैलकुलेशन थोड़ी कम कर देता हूँ, देखो कैसे बात समझना, ये तो आपने कैम कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बचेगा का सोमवार और शुक्रवार। आप कह दोगे सर देखो इतना करने की जरूरत नहीं थी,
कितना कम, ये कम कर सकते थे कैसे, देखो ये कितना कम है, देखो यहाँ पर 1.5 कम है, 1.5 कम है कि नहीं, कम है कि नहीं, 1.5 कम है सब पे, तो कितने लोग हैं बताओ, ये कितने लोग हैं, तो चार पे कम होगा कितना बताओ, 6 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बस यही तो अंतर निकाला था अपन ने, 6 डिग्री निकाला 6 डिग्री, या तो आप इंटू करके अंतर निकाल लो या ऐसे अंतर निकाल लो चारों में, तो चार लोग थे, चार से इंटू के 6 डिग्री का अंतर आया, और ये आप सब जानते हो, सॉल्व कर दे, ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती आपको इतनी ज़्यादा, तो ये सिंपल तरीका था क्वेश्चन, समझ में आया कैसे किया, ठीक है ना, तो ये इसका कितना 31, और 31 में 29.5 घटाएंगे कितना 1.5, एक पे आ रहा है तो चार पे कितना कम आएगा, 6, क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन कर लो, लिख लो आप, वीडियो तो आप कराएगी बार बार देखते रहना, कैंसर नहीं है, कल की नहीं दिखी आपने, चलती नहीं है घर पे, ये वीडियो ज़्यादा डाटा खाती है, है ना, हाई क्वालिटी 1080 पे चलती है, मैं तो बिना वीडियो चल रहा हूँ यार। अच्छा अपना डाटा मुझे दे दीजिए करो सब लोग, मैं घंटे पढ़ा दिया करूँगा आपको, डाटा सबका मुझे दे दो, अच्छा एवरेज अच्छा लग रहा है, लग रहा पढ़ने में मजा आ रहा है एवरेज में, तो बस एवरेज ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, ये क्वेश्चन बहुत 100% आते हैं एग्जाम में, ये वाले और ये वाले, देखो शॉर्ट टर्म वाला कुछ नहीं यार, देखो समझो यार, देखो ये चार लोग हैं, कितने चार तापमान, तो चार पे कितना दिया आपका 31, और ये भी कितने दिए चार, तो ये भी कितना दिया 29.5, तो कह सर ये कितना कम है, सर 1.5 कम है कि नहीं, जब एक पे 1.5 कम है तो चार पे कितना कम होगा, कह दोगे सर 6 नहीं हो जाएगा, 1.5 × 3, 3 × 6 हो गया 6 कम, बस हो गया स्पॉट, इतना नहीं करना पड़ेगा आपको, ये सब तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए, 37 3/8 तो 8 से 11 हो गया दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व, कर सकते नहीं कर सकते, टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो ऐसा ही में नंबर थोड़ी ना आते अपने, मेहनत से आए नहीं आए, तो मेहनत करना पड़ेगी भाई, अगला क्वेश्चन लेके आ, देखो सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री है, 37 सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री है, जबकि मंगल से गुरुवार तक औसत तापमान 34 डिग्री है, जबकि मंगल से गुरुवार तक का औसत तापमान कितना है 34 डिग्री है, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है ना, ये बोला ना, ठीक है, तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करो, कितना आएगा, बहुत बढ़िया, आ गया ना समझ में, अब सी बना चाहिए।
आ गया 36। ठीक है चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है 37 डिग्री। कितना है 37 डिग्री। फिर मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना दिया है 34। अब ये तो मंगल से मंगल कैंसिल, बुध से बुध कैंसिल, क्या बचा सोमवार और गुरुवार। अब क्या सर इसमें डिफरेंस कितने का, तीन का, तो तीन है तो कितना हो जाएगा 9 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 3 × 3 कर दें कितना हो जाएगा 9, तो इनका अंतर कितने का आएगा 9 डिग्री। या तो आप सॉल्व कर लो पूरा तब भी 9 का आएगा, और डायरेक्ट कर सकते हैं 9 का, 37 34 में कितने का अंतर 3 का, तो कितने दिन है 3 × 3 कर दिया 9 डिग्री हो गया, नहीं हो गया। अब करा है कि गुरुवार का जो तापमान है, गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का कितना है 4/5 सोमवार के तापमान का। तो अब इसका जब निकालोगे तो मैं बताया कैसे करते हैं, 5 गुरुवार, मैं गुरुवार को TH लिख लेता हूँ, थर्सडे है ना, बराबर 4 मंडे। तो आप थर्सडे और मंडे का जो तापमान निकालेंगे तो थर्सडे क्या जाएगा 4 और इसका कितना जाएगा 5, हो गया नहीं हो गया। ये कह रहा है अंतर कितने का सर 1 का, लेकिन क्वेश्चन में कितने का 9 का, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 9 के। क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है गुरुवार का तापमान, तो गुरुवार का तापमान कितना है 4 × 9 कर दें कितना जाएगा 36 डिग्री। अगर आपसे मंगलवार पूछता तो 5 × 9 कर दें कितना आता 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है बताओ, इस तरीके से पहले समझा, इस तरीके से समझा दिया, समझ में आ गया नहीं आ गया अभी, किसी को डाउट है इसमें, ये 4/5 आप इतना नहीं करते, देखो मैं डायरेक्ट निकाल देता इसको, गुरुवार का अपने आप 4 हो जाता ऊपर वाला, मैं उस दिन सिखाया था गुरुवार का कितना 4 और इसका नीचे वाले क्या हो जाता है 5, तो गुरुवार का 4 हो जाता आपके पास सीधा, और गुरुवार का हो जाता आपका 4 और आपका मंडे का हो जाता है कितना आपका 5। तो आपका दिख रहा सर 1 का अंतर है, लेकिन अंतर कितने का निकला 9 का, तो 1 की वैल्यू 9 के बराबर, अभी आपको 1 की वैल्यू मालूम पड़ेगा तो किसी निकाल सकते 9 × 36 और 9 × 45 आपका आंसर हो गया, सिंपल है। या आप ये सोच रहे हैं 9 कैसे आया, ये समझ में आया कैसे आया, क्लियर है, नहीं आप ऐसे कर लो भाई 37 तिया कितने होते हैं 37 तिया 111 और 34 तिया कितने होते हैं 102, तो अंतर कितने का देखो 9 का है कि नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं 9 का अंतर, तो क्यों इतना लफड़े पालना, इंटू करोगे इतने तो क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा नहीं है, सबसे मुश्किल चीज़ तो ये होती नहीं होती कि यार अभी करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ें, इनको बचाना है, कैलकुलेशन जितनी कम होगी उतनी फास्ट होगी, उतनी जल्दी क्या होगी आपके क्वेश्चन जल्दी बनेंगे, ठीक है। अगर आप 0.5 का डिफरेंट नहीं निकाल पा रहे तो बहुत बड़ी बात है, ये तो आपको सीखना पड़ेगा 0.5 कम आगे पीछे करना पड़ेगा। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ जब भी आप ऐड करो तो हमेशा 0 बनाओ, जब भी आप इनटू करो तो 0 बनाने की कोशिश करो। जैसे मुझे पता है कि 37 का करना तो 35 तिया करूँगा पहले मैं, 35 तिया कितने होते हैं 105, 105 पे 2 तिया 6 जोड़ दूंगा 111 हो गया, होगा नहीं होगा, तो 0 बनाने की कोशिश करो हमेशा, ठीक है। चलो सिंपल है बताओ, कोई दिक्कत, औसत तापमान मैंने कर लोगे ना, आज बहुत टाइप करा रहा हूँ मैं, सीख लो अच्छे से, सारे करा देता हूँ मैं, प्रैक्टिस करना है आपको घर पे जाकर, एक बुक उठाना आपकी, जो भी आप बुक यूज कर रहे हैं RS अग्रवाल फलाना ढकाना जो भी कर रहे हैं, ठीक है, जो बुक आप करते हैं यूज वो आप उठा लेना, आप सवाल लगाना सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आज आप पे, ठीक है। सारे ये क्वेश्चन सारे RS अग्रवाल के, ये सारे क्वेश्चन आप देखना पीछे जाके मिल जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट देखते हो, कितने लोग देखते हो, आज तो मैच भी है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का है ना, मैच है ना आज वनडे 1:30 बजे से, ठीक है, तो आज मैच देखना, क्रिकेट भी देखते होंगे, लड़की देखती नहीं देखती क्रिकेट, देखते हो ना आप, इंटरेस्ट है क्रिकेट में, ठीक है, वर्ल्ड कप भी देखने में इंटरेस्ट आता है, वर्ल्ड कप नहीं, क्रिकेट तो आज समझ में आता है ना, आता है, कितनी बॉल होती है क्रिकेट में, कितनी बॉल होती है क्रिकेट में, एक ही होती है ना, और एक ओवर में कितनी होती है, चलो ये तो जानते ना, ठीक है। चलो तो अब क्रिकेट वाली बल्लेबाजी करते हैं थोड़ी, अब रन रन कैसे बनाएंगे, देखो जो क्रिकेट बल्लेबाज का जो एवरेज होगा वो किससे आता है, रन से, अब बॉलिंग का जो एवरेज होगा वो किससे आता है, विकेटों से, बात समझ रहे, तो अब बॉलिंग करना और बैटिंग करना अब आपको करना है। चलो आज आपको टीम में ले चलते हैं, आप हैं बैटिंग कराते हैं आज, देखो आप ग्राउंड की जरूरत नहीं जाने की आज, लिखो क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 17, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है 87,
एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, 87, जिसकी वजह से 87 जिसकी वजह से उसकी औसत 3 रन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका औसत 3 रन बढ़ जाती है। तो वर्तमान औसत बताएं, तो बल्लेबाज का वर्तमान औसत बताओ। तो बल्लेबाज का वर्तमान औसत बताओ, अगर उसने 87 रन मारे थे तो उसका औसत अब कितना होगा, ये पूछा गया है। वर्तमान प्रेजेंट औसत कितना होगा, ये आपके बुक में दिए हैं पीछे बहुत सारे, आरएसएल वाली बुक उठाना, 4-5 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, सारे कर लेना आज। कर पाया कोई, नहीं कर पाए, कितना आ गया, 36। गलत। देखो आप, एक बल्लेबाज है, ये है बल्लेबाज, ये कौन है बल्लेबाज, अब ये कह रहा है कि इसने अगली पारी, कौन सी पारी में, 17वीं पारी में कितने मारे, 87, तो इसके पहले कुछ पारी खेली होंगी, नहीं खेली होंगी, 16 पारी खेली होंगी ना, तो 16 पारी में कुछ औसत होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, 16 पारी में सर उनका औसत होगा एक्स, होगा नहीं होगा, लेकिन 17वीं पारी में कितने बनाता है, 87 रन बनाता है, मैंने ये रन रन एक तरफ ले लिए, 16 पारी में इतना औसत था एक्स, 17वीं पारी में कितने बनाता है, 87, ये रन आ गए पूरा नहीं आ गए, अगर मैं एक्स से इंटू कर दूँ रन निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे, तो उसका औसत कितना बढ़ जाता है, एक्स था कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, कौन सी पारी में, हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व, देखो आप जल्दी से, ये होगा 16x, ये होगा 87, ये हो जाएगा कितना 17x, और ये 17 51, 17x में 16x का कितना बचेगा x, और 87 में 51 कितना बचेगा 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36, कितनी आ गई 36, लेकिन पूछा क्या है आपसे, प्रेजेंट एवरेज, एवरेज कितना बड़ा है उसका, x प्लस 3, कितना बड़ा है उसका x प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी 36, और 3 ऐड कर देंगे कितना आंसर 39, क्या हो जाएगा उसका आंसर, ये उसका एवरेज है। तू माइनस कर रहा है भाई, बढ़ रहा है उसका एवरेज, समझ ना, वर्तमान पूछा है मैंने, हाँ अगर वो पूछता 16 पारियों का तो आंसर क्या था आपका 36, मैंने क्या पूछा वर्तमान एवरेज, वर्तमान में पारी कौन सी आई लास्ट वाली, तो कितना जाएगा 39, आ जाएगा नहीं जाएगा, किसी को डाउट है इसमें, देखो 16 पारी उसने खेली होगी, उसका एवरेज कुछ एक्स रहा होगा नहीं पता, लेकिन उसने अगली पारी में कितने मारे 87, जिसका एवरेज उसका कितना बढ़ गया एक्स प्लस 3 हो गया, कौन सी पारी में, 17 में, सॉल्व कर दो इक्वेशन, जवाब सॉल्व हो गया, समझ में आ गया नहीं आ गया किसी को, डाउट है, जादू देखा जादू, देखो आ जाओ सिंपल, रुक जा अभी, ठीक लिख ले, सिंपल कैसे करेंगे एक सेकंड में, मैंने आपसे बोला था एवरेज का आपका एक लाइन से नीचे नहीं आएगा क्वेश्चन, एवरेज से खेलना है आपको, देखो उसने 17वीं पारी में कितने मारे, अब ज़्यादा रन होगा कि नहीं होगा, 36 मारता था वो, कितने हो गए 87 मार दिए, कितने पारी मारे उसने, लास्ट पारी कौन सी थी 17 पारी थी, 17 पारी में 3-3 रन ज़्यादा मारे, कितने रन मार दिए उसने 51, मैंने 51 इसमें माइनस कर दिए, 87 में 51 माइनस करूँगा कितना बचेगा 36, और 3 ज़्यादा मारे तो कितना आंसर हो गया 39। अरे यार बताओ यार, उसने कितने रन मारे 87 मारे, लेकिन 17 पारी में 3-3 रन और ज़्यादा ले लिए नहीं ले लिए, उसका औसत कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, तो 17 पारी में कितने रन ज़्यादा मार दिए इसने 51 रन ज़्यादा मार दिए, तो उसका एवरेज जो प्रजे पास्ट जो एवरेज था उसके पहले का जो एवरेज था तो वो कितना था 36 था, अगर 36 था तो मुझे वर्तमान पूछा तो 3 बढ़ रहा 3 ऐड कर दो इसमें तो कितना आंसर हो गया 39, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये, और अथवा लिख लो फटाफट से। कॉन्स्टेबल में 30 जितने का मैथ आएगा उतने लेके आओगे, है ना, टेंशन मत लो, इतने तो हाई आती नहीं है, सिंपल से आती, मैं तो आपको बहुत हाई पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और सिंपल तरीके से, एसआई में तो बहुत और कम आता है, ठीक है ना, टेंशन मत लो, है ना।
मैथ का भाई पढ़ो पूरा, है ना, आपको आना सब चाहिए, ठीक है। पढ़ाई ज़्यादा करो, कम मत करो, कम में से ज़्यादा हो सकता है लेकिन ज़्यादा ज़्यादा से कम में ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा में से कम हो सकता है लेकिन कम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आप यह क्या करो, पूरा ज्ञान लो। कितने यहाँ तो कहानी सुनी होगी कि जिसके पास आधा ज्ञान होता है वो झलकता ज़्यादा है, आधे घर गगरी झलकत जाए बोलते ना, जिसके पास आधा ज्ञान होता है वो क्या करता है, झलकता। अगर आप मूड पर रख लोगे ना तो आपके पास पानी भरा होगा आधा, तो आप चलोगे वो झलकेगा, लेकिन जिसका पूरा ज्ञान होता है ना, आप पूरी भर के जाओगे ना तो एक बूंद पानी नहीं भर सकता उसमें से, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है वक्ता कम है, वो बोलता कम है। तुम देखना जिसके पास जो ज्ञान होता है ना वो बहुत शांत रहता है, वो बहुत शांत स्वभाव का होता है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता वो वक्ता ज़्यादा है, बात समझ रहे ना। तुम देखना कभी भी जिसके पास अर्ध ज्ञान नहीं होगा बोलता ज़्यादा है, और जिसके पास ज्ञान होता है तुम कभी देखना वो बहुत शांत रहता है। आप किसी मुनि को देखना, किसी श्रेष्ठ मुनि को, उनके पास बहुत ज्ञान होगा तो वो शांत बैठेंगे, आप उनसे हाथ जोड़े तब वो आपकी सुनेंगे, बात समझ रहे। और जो थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, आ जाओ मैं तुम्हारा हाथ देख दूँ, तो हाथ पकड़ लेगा, बताओ देखा, वो थोड़ा ज्ञान ही है कि नहीं, वो कह रहा है हाथ देख लूँ, बात समझ रहे। उसको कुछ नहीं याद, उसको उससे हाथ मत दिखाओ, हाँ 50 रुपये रख या टीका लगा दिया ऐसे 50 रुपये लो जाते ना, तो वो ज्ञान नहीं होते। तुम हमेशा ज्ञानी पुरुष के पास जाना, कभी उनके माथे पर अलग ही तेज होता है, ठीक है। जो जिसके पास ज्ञान होता है बहुत शांत रहते हैं। मैं बैठा हूँ उनके साथ, ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ जिनको बहुत ज्ञान होता है, उन बहुत शांत रहते हैं, उनको ना पहनने का उड़ता है ना कुछ रहता है, लेकिन ज्ञानी बहुत होते हैं वो, बात समझ ना। तो ज्ञानी पुरुष जो होता है बहुत कम बोलता है, और जो अर्धज्ञानी वो लगा ही रहता है, टिक 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 टिक, ठीक है अपन बस, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन अगला क्वेश्चन लिखें, मैं तो नहीं बोलता ज़्यादा मैं कभी बोलता हूँ वैसे, तुमने देखा हो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता। तो क्या था भाई, उनने कहा था अकबर ने बीरबल से, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि 5 लड़कियां बगल में होकर बात नहीं कर रही थी सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का, क्योंकि लड़कियां जहाँ होती हैं, जहाँ औरतें होती बात हमेशा करती हैं, कोई भी हो, ये सबका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। चल अगली बात, अब क्वेश्चन लिखें जल्दी से, लिखो। एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है, बारहवीं पारी में वह 90 रन बनाता है। एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है, वह बारहवीं पारी में 90 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसका औसत 5 रन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका औसत 5 रन कम हो जाता है, तो वर्तमान औसत ज्ञात करो, प्रेजेंट औसत क्या हो जाएगा। जिसकी वजह से उसका औसत कितना कम हो जाता है, 5 कम हो जाता है, तो वर्तमान औसत बताएं क्या हो जाएगा। है कहाँ हो भैया, अभी जल्दी बता दो, 35। गलत, अभी समझ नहीं आ गई, 45। गलत, 145। बहुत बढ़िया, क्या है 145, बहुत बढ़िया 145 उसकी 11 पारियों में कुछ औसत था, लेकिन बारहवीं पारी में कितने बनाता है, 90 बनाता है, उसका औसत कम हो जाता है, तो 90 से अधिक होगा भाई, 90 रन बना रहा है तो उसका औसत कम हो रहा है, तो 90 से ज़्यादा बनाता होगा, 45 कैसे कह रहे हैं आप, 90 से ज़्यादा ही होगा, नहीं होगा, खत्म, हर बार सेंचुरी मार रहा है वो बल्लेबाज विराट कोहली है। चल बिल्कुल बेसिक से भी करते देखो, समझो 11 पारियों का कुछ औसत था मतलब एक्स, लेकिन 12 पारी में कितने बनाता है, 90, जिसके औसत में 5 की कमी आ जाती है, कौन सी पारी में, 12 पारी में, हो गया सॉल्व, जमाना सीख जाओ, आपको बेसिक पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कह दोगे सर ये हो जाएगा 11x प्लस 90 बराबर 12x माइनस 60, तो 12x में से 11x गया तो कितना बचेगा x, और ये प्लस के और ये माइनस के हैं, तो इस तरफ जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस के, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 150, x की वैल्यू कितनी आ गई 150।
बात समझ में आया कैसे किया ये? अरे नहीं आया अभी, देखो अगर मैं देखो ये प्लस का, ये प्लस का 12x में से 11 से कितना x, ये प्लस का इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 150, उसका एवरेज कम हो रहा है कितना कम 5 कम, तो x माइनस 5, तो x की वैल्यू 150, 5 कम कर दो कितना आ गया 145, क्या हो गया उसका आंसर। अब देखो कितने रन बना रहा है भाई, 90 रन बना रहा है, 5 कम कर रहा है कितनी पारियों पर, 12 पारियों पर, कुल मिला के 12 कितनी 5 रन, मतलब 12 पंच 60 रन कम बना रहा है हर एक पारी पर, तो 60 क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे कितना 155, 5 कम एवरेज हो गया 145, क्या हो गया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो दूर क्या बैठा इतना आज पास नहीं बैठा मेरे, अच्छा लेट हो गया आज, मुझसे आज आवाज़ नहीं आई। वो वास्तविकता है ना, कुछ लोग चंचल होते हैं ना सर, मन भी बड़ा चंचल है बेटा, कहाँ का जवाब है। चलो तो क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा किसी को, कोई डाउट किसी को बताओ, मैंने आज कितने टाइप के क्वेश्चन करा दिए, बल्लेबाजी करा दी थोड़ी बहुत आपको, तापमान भी दिखवा दिया आपको, थोड़ा सा आपकी एज वाले क्वेश्चन भी करा दिए कि एब किलोग्राम कितना बढ़ता है, टीचर आ गया आपकी क्लास में कितना बढ़ेगा, और आपका नंबर गलत हो तो एवरेज भी कितना कर सकते हो, सही कैसे कर सकते हो, आप 4-5 टाइप के क्वेश्चन सीख चुके हैं। ठीक है, तो अगली क्लास रही कल बढ़िया तरीके से क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।